अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एच पायलोरी एंटीजन टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं। एच पायलोरी एंटीजन हम रैपिड टेस्ट के थ्रू परफॉर्म करते हैं। और एच पायलोरी क्या है, आपको पता है एच पायलोरी बैक्टीरिया है जो कि बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है स्टमक को, जिसे हम मैदा बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन कॉज करता है। तो किसी भी अगर मैदे में किसी को जलन महसूस होती है खाना खाने के बाद, या मुसलसल रहती है, या मैदे में दर्द महसूस होता है, या कोई भी मैदे के मुतल्लिक सिम्टम्स हैं, तो उस सूरत में सबसे पहले एच पायलोरी एंटीजन टेस्ट जो है वो चेक किया जाता है। एच पायलोरी एंटीजन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें स्टूल सैंपल चाहिए होता है। किसी भी स्टेराइल कंटेनर में पेशेंट जो है वो स्टूल देते हैं। उसके बाद ये किट में कार्ड और बफर आता है। इस बफर की, अब ये देखें, हमने ओपन किया तो एक स्टिक है। इस स्टिक की मदद से हमें स्टूल सैंपल कलेक्ट करना होता है, और थोड़ा सा स्टूल सैंपल कलेक्ट करके फिर हम इसको बफर के अंदर अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि बफर और स्टूल सैंपल जो है वो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसको कार्ड के अंदर ड्रॉप करेंगे और फिर हम रिज़ल्ट देखेंगे। लेकिन ये आप याद रखें कि एक्टिव इन्फेक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले जो है वो एंटीजन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अगर तो एच पायलोरी एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है तो उस सूरत में ही ट्रीटमेंट होगी। ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है, इसकी ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स शामिल होती हैं। और ये देखें, अब ये हमें तकरीबन 4 to 5 ड्रॉप्स जो हैं वो हम डालेंगे। और अगर आपके पास टाइमर है तो आप टाइमर ऑन कर दें, वरना इस कार्ड के ऊपर लिख दें 15 मिनट्स के बाद जो है वो हम अपना रिज़ल्ट रीड करेंगे। अब ये देखें, आप सी के आगे सिर्फ एक लाइन है और टी के आगे कोई लाइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि रिज़ल्ट नेगेटिव है। अगर टी के आगे भी लाइन आती और सी के आगे भी लाइन आती तो इसका मतलब है रिज़ल्ट पॉजिटिव है, यानी कि पेशेंट के अंदर एच पायलोरी इन्फेक्शन मौजूद है। और अगर सिर्फ टी के आगे लाइन आ जाती और सी के आगे लाइन नहीं आती तो इसका मतलब है कार्ड जो है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि कंट्रोल लाइन जो है वो मस्ट आना ज़रूरी है। सी का मतलब है कंट्रोल और टी का मतलब है टेस्ट। तो अभी जो मौजूदा रिज़ल्ट है इसके हिसाब से जो पेशेंट है उसको एच पायलोरी इन्फेक्शन नहीं है। इसके अगर ये दोनों लाइनें पॉजिटिव, अगर दोनों लाइनें आती सी और टी के आगे, तो फिर इसका मतलब है रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव होता है, और इसका मतलब ये होना था पेशेंट को इन्फेक्शन है। तो इस तरीके से हम लैब में चेक करते हैं एच पायलोरी एंटीजन टेस्ट।